हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने 2013 की 20 की पेट्रोल वेरिएंट है और स्पॉट वेरिएंट है। इसके ऊपर एक मॉडल आता है एस्टा, और इसकी बात करने वाले कि 2013 के मुकाबले इसमें क्या क्या अच्छा आता था, क्योंकि आज की गाड़ियों में भी ऐसा फीचर्स जो इसमें दिए गए वो आज की गाड़ियों में भी नहीं आता, जैसे कि सीट मान लो और डिज़ाइन मान लो आप सब कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो गाड़ी को स्टार्ट होता है तभी डीजल ऑन होती है। पहले तो गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो खेत में सुबह सुबह जाकर हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2013 में इसमें DRL मिलती थी, देख सकते हो कितनी प्यारी लगती है। फॉग लैम्प भी दिए गए थे स्पॉट वेरिएंट में, आप देख सकते हो ये फॉग लैम्प मिलते थे। और दूसरी बात करें तो एलॉय व्हील्स मिलते थे आप देख सकते हो स्पॉट वेरिएंट में। आगे डिस्क ब्रेक मिलते, पीछे ड्रम ब्रेक मिलते। डीजल वेरिएंट लाते थे आप तो इसमें चार चार टायर में डिस्क ब्रेक मिलती। और यहाँ पे आपको देख सकते हो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आउटसाइड मिरर मिल जाते थे। और सबसे प्यारी बात, इस 2013 में आपको ऑटोमेटिक वाइपर मिलते थे, आप देख सकते हो। तो चलिए अब पीछे आते हैं। पीछे की बात करें तो आपको साथ में एंटीना मिल जाता था, देख सकते हो आप, और डिप पॉकेट भी मिल जाता था। डिक की मैं बात करें तो क्या क्या है बूट स्पेस में, तो देख ही सकते हो आप। इसमें आपको स्पेयर व्हील मिलता था जो कि स्टील व्हील है। चलिए इसको कर देते हैं बंद। बूट्स में लाइट भी लाइट देख सकते हो दी गई है। और आपको पार्किंग रिवर्स कैमरा मिल जाता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये तो इस तरफ फॉग लैम्प मिल जाता है और इस तरफ रिवर्स लाइट, ये तो फॉग लैम्प भी मिलता है। चलिए इसके अंदर क्या क्या मिलता था हम वो बात कर लेते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिरर मिल जाता था। 2013 की बात है, 2022 में भी मिलता था। सीट की बात करें तो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलती, खाली रिक्लाइन करने मिल रही थी, हाइट एडजस्टेबल नहीं कर सकते थे आप यहाँ पे। चलो जब मैं इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर की बात करें तो पहले तो आप इसका स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो। 2023 में आपको यहाँ पे मिलते थे कंट्रोल सारे, यहाँ के फोन के कंट्रोल्स है और यहाँ पे इंफोटेनमेंट है। तो देखो भाई, ये बहुत ही अच्छी बात है, इलेक्ट्रिकॉमिक रियर मिरर दिया गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे, जो कि महिंद्रा XUV 700 में जैसा टॉप मॉडल स्कॉर्पियो में देख सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें ड्राइवर साइड भी मटेरियल मिल गया है और इस तरफ भी दिया गया है। ग्लो बॉक्स की बात करते हैं, इसमें आपको फुल ग्लो बॉक्स मिल जाता। तो देखो भाई, यहाँ पे आपको फुल्ली ऑटोमेटिक AC मिल जाता है। आप ले जाए ZX है और ZX प्लस में आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हो इसमें आपको 2013 में ऑटोमेटिक AC मिलता है। और यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल ही है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है। सबसे मेन एक बात रह गई है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको स्टीयरिंग एडजस्टेबल। तो देखो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी मिलता था, देख सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने दिखा देता हूँ आपको ऑटोमेटिक वाइपर का, तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वाइपर मिलता था। और यहाँ पे स्पीकर की बात करते हैं, यहाँ पे ट्विटर मिल जाता था स्पीकर, ये सब कुछ तो नॉर्मल ही है। और यहाँ पे लाइट की बात करें तो यहाँ पे भी लाइट और यहाँ पे भी लाइट, दो जगह दी गई है। चलिए करते हैं इसको बंद। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर मत देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लुक की बात करें तो पहले तो